वीडियो में एक्सक्लूसिव बात करेंगे कि किन किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं 6,000 रुपए, जैसे कि दूसरी सरकारें नहीं लेने दे रही हैं फायदा। फॉर एग्जांपल दिल्ली में आम आदमी पार्टी या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी रोड अटका रही है। एक्चुअली पीएम किसान का फायदा तो मिलना चाहिए देश के सभी किसानों को, लेकिन कुछ राज्यों के ईगो के वजह से, कुछ राज्यों की पार्टी के ईगो के वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है, किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आज का ये वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर है कि किसान अभी तक क्यों अटके हुए हैं, क्यों किसानों को अब तक 6,000 रुपए का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो दोस्तों आप अंत तक का जरूर देखिए, अगर अभी तक आपको पैसे नहीं मिले हैं या मिले हैं तब भी आप समझ लीजिएगा। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है बॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आए। दोस्तों इसके पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अभी तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिला है या नहीं मिला है, पीएम किसान योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है, और यदि नहीं मिला है तो आप किस राज्य या किस जिले के हैं। आप अपने स्टेट का नाम जरूर टाइप करिएगा, ताकि आपके राज्यों का भी अपडेट मैं लेकर आ पाऊं जल्द से जल्द। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ लोग जमकर उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप के एक भी किसान को इसका फायदा नहीं मिल सका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि ये सरकारें जानबूझकर किसान सम्मान निधि के लिए सूची नहीं भेज रही हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों के किसानों को सालाना 6,000 रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। इसका जवाब जनता उन्हें देगी। कुछ राज्य सरकारें इस स्कीम में सहयोग न करके किसानों के साथ धोखा कर रही हैं। जब केंद्र पैसा भेज रहा है तो राज्यों को किसानों के हितों पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। खेती किसानी के लिए किसानों को 6,000 रुपए मिल जाते तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार का क्या बिगड़ जाता, मुझे ये समझ नहीं आया। यही नहीं, चौधरी का कहना है कि किसानों को 6,000 रुपए का लाभ न देने का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी उसी में लोकसभा चुनाव में जनता के प्रचंड समर्थन के साथ बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली है। इसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस सरकारों ने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी किसी किसान का नाम इस स्कीम का लाभ लेने के लिए नहीं भेजा था। तो आप कह सकते हैं कि किसानों को लाभ से वंचित कर रही हैं कुछ सरकारें। दोस्तों इस समय इन 4 राज्यों को छोड़ दें तो अब तक देश के 3,43,00,000 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र का काम पैसा भेजना है, किसानों का पूरा ब्यौरा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करना राज्यों का काम है। जो राज्य ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं उन्हें पैसा नहीं भेजा जा रहा है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल के किसान इससे वंचित हैं, तो इसकी वजह इन राज्यों की सरकारें ही हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि कुछ राज्यों की अपनी वजह हो सकती है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें तो अपनी जिद की वजह से किसान को इस कल्याणकारी योजना का लाभ लेने से वंचित कर रही हैं। आइए देख लेते हैं कांग्रेस शासित राज्यों का हाल कि वहां क्या चल रहा है। दोस्तों कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस योजना का सबसे कम लाभ यानी सिर्फ 12,673 किसानों को मिला है पीएम किसान का लाभ। यहाँ कमलनाथ की सरकार है, लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई है, जबकि राजस्थान में सिर्फ 1,21,314 किसानों को लाभ मिला है। यहाँ भी मतदाताओं ने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 1,13,574 किसानों ने उठाया है फायदा, जबकि जेडीएस कर्नाटक शासित कर्नाटक में 3,20,906 किसान लाभान्वित हुए हैं। हालांकि पंजाब भी कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन यहाँ 11,84,871 किसान इसका फायदा उठा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस मजबूत रही है और उसे 8 सीटें मिली है। दोस्तों आप मानो या ना मानो, इस बार मोदी सरकार का किसानों पर पूरा फोकस है। एक तरफ कुछ राज्य अपने किसानों को इस योजना से वंचित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इसका विस्तार करते हुए देश के सभी 14.5 करोड़ अन्नदाताओं के लिए लागू कर दिया है। 24 फरवरी को जब गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई थी तो यह स्कीम सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही लागू की गई थी, जिसके तहत 12 करोड़ किसान कवर हो रहे थे। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती किसानी के लिए सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर किसान को खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपए का सहयोग मिले, इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी वो वजह जिनकी वजह से इन गरीब किसानों को फायदा अब तक नहीं मिल पा रहा था। आपका इन राज्यों की सरकारों के बारे में क्या कहना है बताना जरूर नीचे मुझे कमेंट में। तो मिलता हूँ अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह के अपडेटेड वीडियोज मिलते रहे आपको लगातार। और हाँ, अभी तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा मिला है या नहीं मिला है, आप किस राज्य या आप किस जिले से हैं ये जरूर बताना, ताकि आपके राज्यों की अपडेट लेकर आ पाऊं मैं जल्द से जल्द।